हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोलर इन्वर्टर्स, मतलब सोलर इन्वर्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टर होता है जो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। अब है टाइप्स ऑफ, तो देयर आर टू टाइप, बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सोलर इन्वर्टर्स। वो हैं एक माइक्रो एंड स्ट्रिंग एंड सेंट्रल। माइक्रो इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड सेंट्रल इन्वर्टर। तो माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है? माइक्रो इन्वर्टर होता है जैसे सोलर पैनल होता है, तो सोलर पैनल के माइक्रो, जैसे कि नाम से ही पता चलता है माइक्रो मींस छोटा, तो माइक्रो इन्वर्टर होता है वो छोटा इन्वर्टर होता है। वो इंडिविजुअल एक एक यूज़ होता है हर सोलर पैनल के जस्ट पीछे, उसके पीछे यूज़ होता है। वो क्या करता है, सोलर पैनल से डायरेक्ट डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है, उसी के जस्ट पीछे होता है। जिस वजह से क्या होता है, क्योंकि डीसी करंट में पावर लॉस होता है अगर वो डिस्टेंस में थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करती है अगर इलेक्ट्रिक वायर में, तो उसमें पावर लॉस होता है। तो इस वजह से अगर हम उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दें, देन हम ट्रांसफ़र करें, ट्रांसमिट करें एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें पावर लॉस कम होता है। इस वजह से हम माइक्रो इन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो माइक्रो इन्वर्टर क्या होता है, हर सोलर पैनल के जस्ट पीछे एक छोटा इन्वर्टर होता है, वो लगा रहता है। वो इस तरह से जैसे हमने 10 सोलर पैनल लगाए, उसके जस्ट पीछे हमने एक एक माइक्रो इन्वर्टर लगाया, तो हमारे 10 माइक्रो इन्वर्टर हो गए। वो डायरेक्ट कनेक्ट होके हम वो इलेक्ट्रिक ग्रिड में दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एसी करंट है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका, माइक्रो इन्वर्टर का, ये MPPT पर काम करता है, मतलब मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। तो इसमें लॉसेस कम होते हैं, तो इस वजह से हम माइक्रो इन्वर्टर यूज़ करते हैं। और सेकंड आता है हमारा स्ट्रिंग इन्वर्टर। स्ट्रिंग इन्वर्टर ये होता है, स्ट्रिंग सबसे पहले समझ लेते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। सबसे पहले हमारा सेल होता है, एक सेल से छोटे छोटे सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो हमारा सोलर मॉड्यूल बनता है, जो हम एक सोलर पैनल बोलते हैं, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम सोलर मॉड्यूल बोलते हैं। अब वो सोलर मॉड्यूल को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें और आगे, उसके बाद फिर उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके ज्वाइन करें, तो वो जो है वो स्ट्रिंग बन गई, एक लाइन सी बन गई, बड़ी सी स्ट्रिंग। तो वो स्ट्रिंग के कनेक्शन जब इन्वर्टर में जोड़ते हैं, तो वो जो इन्वर्टर होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर। वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है। तो वो हम हमेशा हाई डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसकी, एफिशिएंसी भी हाई होती है, और थोड़ा कॉस्ट कम होता है, तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। पर इसका एक डिसएडवांटेज है कि वो MPPT पे काम नहीं करता ये स्ट्रिंग इन्वर्टर। और एक और नुकसान है इसका कि जब अगर, क्योंकि ऑल वो सारे पैनल सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो अगर कहीं पे भी अगर शैडो आती है, चारों से पैनल में से एक भी पैनल पर अगर शैडो आती है, तो वो करंट लो कर देगा, मतलब उस पैनल में से करंट लो प्रोड्यूस होगा। तो सीरीज़ में तो पूरा कांस्टेंट करंट होता है पूरे वायर में, तो अगर एक पैनल का करंट लो होगा, तो पूरे पैनल का करंट लो हो जाएगा, इस वजह से हमारा पावर लॉस इसमें ज़्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग इन्वर्टर। लास्ट हम आता है सेंट्रल इन्वर्टर। सेंट्रल इन्वर्टर क्या होता है, सारे जैसे हमने सेंट्रल इन्वर्टर ज़्यादातर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ और ऐसी जगह पे, बिल्डिंग्स वगैरह में बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे क्या होता है, सारे सोलर पैनल लगे होते हैं रूफ पे बहुत एरिया में, तो उस एरिया से सबसे कलेक्ट करके करेंट को हम एक सेंट्रल, एक मतलब सेंटर पॉइंट में एक हम इन्वर्टर लगाते हैं, वो सबसे बड़ा इन्वर्टर होता है, उसमें जाके फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एसी में, उसके बाद फिर हम ग्रिड को भेज देते हैं। तो ये सबसे बड़ा इन्वर्टर होता है, तो इसमें ये फैक्ट्री वगैरह में ये सब जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये होता है स्ट्रिंग सेंट्रल इन्वर्टर। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।